हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सी राखी बनाने का तरीका। और ये सिर्फ इन तीन कलर के धागों से मैंने बनाई है और बीच में मैंने एक मोती पेस्ट किया है। इसके बजाय आप कोई शो बटन या कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस राखी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये धागे तो अक्सर सभी के घर में अवेलेबल होते ही हैं। तो फिर चलिए इस राखी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये लगभग 4 इंच लंबाई का ये कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा हम ले लेंगे। और अगर हमारे पास ऐसा कार्डबोर्ड का टुकड़ा ना हो तो इसकी जगह हम कोई भी बुक में का थोड़ा मोटा पेपर ले सकते हैं, जिस पर हम इसको धागे को इस टाइप से लपेट सकें। ये आप देख सकते हैं, तो किसी भी कलर के धागे को हम इस टाइप से लगभग 80-90 टाइम्स इसको हम ऐसे लपेट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इतना लपेट लिया है। अब इसको हम धीरे से इस टाइप से निकाल लेंगे और फिर इसको ऐसे बराबर करके इसको बीचों बीच से इस धागे को अगर हम चाहें तो ऐसे पहले लपेट दें इसमें। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लपेट दिया और फिर उसके बाद इसमें हम ऐसे गांठ लगा देंगे। ये हो गया और फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का बन गया है। और फिर इसको हम ऐसे कट कर लेंगे किनारों से, इधर से भी इसी टाइप से ये अच्छे से कट कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसको हम इस टाइप से कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे, और इधर से भी इसी टाइप से ये। और फिर किसी ब्रश या कंघी की मदद से हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ब्रश की मदद से ये मैंने सीधा कर दिया है। और फिर अब इसको हम कैंची की मदद से ये जो है इसको बहुत अच्छी सी गोलाई दे देंगे इस टाइप से कट करके। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कट कर लिया है और ब्रश की मदद से एकदम सही कर दिया है। और इस टाइप का अब हम एक राउंड पेपर कट कर लेंगे। इसकी जगह हम कोई क्राफ्ट पेपर या कोई भी पेपर ले सकते हैं और उसके पीछे इस टाइप से हम गम लगा लेंगे या फेविकोल, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने लगा लिया है और फिर इस राखी पर हम इसको पीछे की तरफ से पेस्ट कर देंगे, जिससे इस राखी को बेस मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। और फिर हम इस टुकड़े को जिस पे मैंने ये बनाया था, इसको हम थोड़ा सा कट करके, ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 1/2 इंच चौड़ाई मैंने इसकी कट करके कम कर दी है। और ये मैं तिरंगे शेप में, तिरंगे के कलर का बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें वाइट कलर का धागा सेम उसी टाइप से इसको मैं लपेट लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वाइट भी बना लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया क्योंकि इसके ऊपर मेरे को ग्रीन कलर का लगाना होगा। तो अब उसी टाइप से सेम हम इस पर ग्रीन कलर भी लपेट कर एक ऐसा ही छोटा ग्रीन कलर का बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तीन कलर का छोटा बड़ा बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो हम डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसे क्राफ्ट पेपर लगाकर अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाता है। तो मैंने इस पर एक क्राफ्ट पेपर राउंड शेप का कट करके लगा दिया। उसके ऊपर मैं फिर थोड़ा सा गम डालूंगी और फिर इसके ऊपर से इसके एकदम बीचों बीच में इस टाइप से ये वाइट वाला, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर मैं फिर थोड़ा सा ऐसे गम डालूंगी और एक और क्राफ्ट पेपर इस टाइप से इसके ऊपर फिर गम डालकर
और फिर इसके ऊपर ये सबसे छोटा ग्रीन वाला, इसको हम ऐसे पेस्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा गम और डालेंगे ये इस टाइप से, और एक छोटा सा क्राफ्ट पेपर मैं इस पर भी रखूँगी, और फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा गम डालकर, अगर हमारे पास कोई मोती हो या कोई भी शो बटन हो, तो ये कटा हुआ मोती है मेरे पास एक पड़ा हुआ था, तो मैं इसको इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर दूँगी। इसकी जगह हम कोई शो बटन भी पेस्ट कर सकते हैं। और इसको अब हम सूखने के लिए अलग रख देंगे, और फिर इसमें बांधने के लिए हम डोरी बनाएंगे। तो इस टाइप से हमको जितनी भी लंबी डोरी बनानी हो, हम ऐसे धागा लेंगे और फिर इसको इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे लगभग 7-8 राउंड इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखिए, इसको हम 7-8 राउंड ऐसे लपेट लेंगे। तो ये हो गया, और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और इसको पकड़कर ऐसे कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसी साइज़ का हम दो कलर का और बना लेंगे, ये देखिए, और इन तीनों को ऐसे पकड़कर, ये मैंने टेप लगा रखा है, इस पर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। उसके बाद ये तीन हो गए हैं, तो इन तीनों को जैसे हम चोटी बनाते हैं इस टाइप से, चोटी की तरह हम इसको ऐसे गूँथ लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने गूँथ लिया है, और अब एक धागे से हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हम इस टाइप से गांठ लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे मैं इस पर ऐसे गांठ लगा दे रही हूँ, ये एक बार, और फिर एक बार और इसी टाइप से ये, और फिर इसको हम बराबर से नीचे से ऐसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसको भी हम ऐसे सही कर लेंगे, और फिर इस टेप को निकाल कर इस बगल भी हम उसी टाइप से गांठ लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डोरी मेरी बनकर तैयार हो गई है, और अब इस राखी को हम ऐसे रखेंगे और इस डोरी को इसके बीचों बीच ऐसे रख लेंगे, आधी इधर और आधी इधर रहनी चाहिए। फिर एक क्राफ्ट पेपर पर हम गम लगाएंगे अच्छी तरीके से ये, और फिर इसको हम इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे, और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये राखी सूख चुकी है और बनकर रेडी हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी प्यारी लग रही है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, हम बहुत आराम से इसको घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये राखी बनाने की वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।